बाढ़ पीड़ितों से मिलने शिवराज सिंह चौहान मंदसौर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग यहां विरोध के लिए नहीं बल्कि सहयोग के लिए आए हैं। इसके साथ ही कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी और प्रशासन से अपील करता हूं कि शिवराज जहां जाता है वहां आप लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। यह वक्त गाली देने का नहीं है बल्कि एक साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने का है, उनका सहयोग करने का है, उनकी मदद करें। राजनीतिक लड़ाई हम बाद में लड़ लेंगे। इसके अलावा कहा कि मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए हम अपनी तरफ से कुछ न कुछ योगदान करें। इसके साथ ही कहा कि क्षेत्रीय विधायक और सांसद ने एक महीने के वेतन बाढ़ प्रभावितों और राहत के लिए देने का फैसला किया है। बाढ़ पीड़ितों को व्हाट्सएप नंबर भी उपलब्ध करवाया गया है जिसके जरिए वे नुकसान की पूरी बात उसमें बताएं जिसे वे मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। और जनता संकट में है, ऐसे समय हम चुप नहीं बैठ सकते। हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म हमें पुकार रहा है कि हम जनता की सेवा के लिए जो बेहतर कर सकें वो करने का प्रयास करें। यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ विरोध के लिए नहीं सहयोग करने आए हैं। हम सबके मन में एक ही भाव है, आरोप प्रत्यारोप इस समय नहीं। इस समय प्रशासन को फुल सहयोग, फुल कोऑपरेट करें ताकि इस समय इस संकट से जनता को निकालने में हम मददगार हो सकें। क्यों हुआ, क्या हुआ, गलती किसकी है उसमें जाएंगे लेकिन बाद में। पहली प्राथमिकता जिन लोगों का सब कुछ बह गया, ना अनाज बचा, ना कपड़े बचे, ना बर्तन बचे, कैसे उनको तात्कालिक सहायता पहुँचे। मैं मुख्यमंत्री को और सरकार को भी अपील करना चाहूँगा कि शिवराज जहाँ जाता है आप लोग विरोध करना शुरू कर देते हो, ये गाली देने की राजनीति बंद करो। इस समय आओ, मिलके एक होके हम जनता को पहले संकट से निकाल लें, फिर हम राजनीतिक लड़ाई लड़ लेंगे। ये समय लड़ने का नहीं, ये समय जनता को संकट से और मुसीबत से बाहर निकालने का है।